गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू किड्स अरस। तो बच्चों आज हम सीनियर के जी की क्लास में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम कैसे श्रैतक जो है वो साथ में लिखेंगे। तो कैसे लिखना है और कैसे बोलना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। पहले हम बोलना सीखेंगे कि हमें कैसे बोलना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है कई खई गई गई अंग खाली, चई छई जई जई ज खाली, तई ठई दई धई नई, तई थई दई धई नई, पई फई बई भई मई, यई रई लई वई शई। उसके बाद हमें बोलना है आगे शई सई हई क्षई त्रई नई श्रई, ठीक है। तो इस तरह से बोलना है। अभी कैसे लिखेंगे और साथ में कैसे बोलेंगे वो भी मैं आपको बच्चों दिखाती हूँ, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ कैसे श्रैतक, क्योंकि हम कैसे श्रैतक पूरा आज लिखेंगे साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है क, फिर हमें लिखना है क को ऐ की मात्रा क्या होता है बच्चों, कई, ठीक है। उसी तरह फिर हम लिखेंगे ख, ख को ऐ की मात्रा खई, फिर आता है ग, ग को ऐ की मात्रा गई, उसके बाद क्या आएगा घ, घ को ई की मात्रा गई, फिर आता है अंग खाली, मात्रा लगा नहीं लेकिन बोलना कैसे है अंग खाली बोलना है, कई कई गई गई अंग खाली, उसके बाद आता है च, च को ई की मात्रा चई, फिर आता है छ, छ को ई की मात्रा छई, उसके बाद आता है ज, ज को ई की मात्रा जई, फिर आएगा झ, ज को ई की मात्रा जई, फिर आता है ज खाली, ज खाली को अंग खाली के जैसे ही क्या करना है मात्रा लगा नहीं लेकिन बोलना नहीं है, तो अभी होगा कई खई गई गई अंग खाली जई 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 ज खाली, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ट, ट को ई की मात्रा टई, ठ को ई की मात्रा ठई, फिर आएगा ड, ड को ई की मात्रा डई, फिर आता है ढ, ड को ई की मात्रा डई, उसके बाद क्या आता है बच्चों अण, फिर अण को ई की मात्रा नहीं, ठीक है। अब होगा कई खई गई गई अंग खाली, चई छई जई जई ज खाली, तई ठई डई दई नहीं, अब लिखेंगे त, तो लिखेंगे त, त को ई की मात्रा तई, फिर आता है थ, थ को ई की मात्रा थई, उसी तरह आगे लिखेंगे द, द को ई की मात्रा दई, फिर आता है ध, द को ई की मात्रा दई, फिर आएगा न, न को ई की मात्रा नहीं, ठीक है। अब साथ में बोलेंगे फिर से कई खई गई गई अंग खाली, चई छई जई जई ज खाली, तई ठई दई धई नहीं, तई ठई दई धई नहीं, इसके बाद आता है प, हम लिखेंगे प, प को ई की मात्रा पई, फिर आता है फ, फ को ई की मात्रा फई, फिर आएगा ब, ब को ई की मात्रा बई, उसके बाद आता है भ, भ को ई की मात्रा बई, फिर आएगा म, तो म को ई की मात्रा मई, ठीक है। अब फिर से बोलेंगे कई खई गई गई अंग खाली, चई छई जई जई ज खाली, टई ठई दई धई नई, तई थई दई दई नई, पई फई बई भई मई, ठीक है। फिर आता है य, हम लिखेंगे य, य को ई की मात्रा यई, फिर आता है र, र को ई की मात्रा रई, उसके बाद आता है ल, ल को ई की मात्रा लई, फिर आता है व, व को ई की मात्रा वई। अब हमने कहाँ तक लिखा, व को एक मात्रा वही, फिर आएगा श, श को एक मात्रा शई, ठीक है। अब फिर से पढ़ेंगे कई खई गई गई अंग खाली, चई छई जई जई ज खाली, तई ठई दई दई नई, तई ठई दई दई नई, पई फई बई भई मई, यई रई लई वई शई। अब लिखेंगे श, हम लिखेंगे श, श को एक मात्रा शई, फिर आता है स, स को ई की मात्रा सही, फिर आता है ह, ह को ई की मात्रा हई, फिर आता है क्ष, क्ष को ई की मात्रा क्षई, उसके बाद आएगा त्र,
को एक ही मात्रा त्रय, फिर आता है ग्न, ग्न को एक ही मात्रा गनय, और उसके बाद आता है श्र, तो श्र को एक ही मात्रा आएगा श्रय। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कैसे श्रय तक कंप्लीट। अब साथ में बोलेंगे फिर से, कई खई गई गई अंग खाली, चई चई जय जय जा खाली, तई ठई दई दई नई, तई थई दई दई नई, पई फई बई बई मई, यई रई लई वई शई, शई सई हई क्षई त्रई ज्ञ श्रय। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कैसे श्रय तक पूरा साथ में लिखा और बोला। ठीक है, तो जैसे मैंने सिखाया वैसे ही आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है क कोई की मात्रा कई, ख कोई की मात्रा खई, ग कोई की मात्रा गई, घ कोई की मात्रा गई, अंग खाली। जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे साथ में फिर बोलना भी है, ताकि हमें समझ में आए कि इसे ऐ की मात्रा कहते हैं, और जब हमें रीड करना हो तो समझ जाए कि जब ये मात्रा आए तो हमें क्या बोलना है, ऐ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने लिखना सिखाया बोलना सिखाया वैसे ही आपको हिंदी में ऐ की मात्रा कैसे शरीर तक कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिनेगी जी की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।